करामाते अहले हदीस बड़ी मशहूर लामा साहब किताब है ना, हाँ, मुजद्दद अफसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप दे बेटे जिया मसूम उन्हां दे कोल सुलेमान मंसूरपुरी जिहड़ा जिंदी किताब रहमत लिल आलमीन, सुलेमान मंसूरपुरी ते आप दे बेटे वो आए तो कहन लगे चलो अज अब्बा जी दी मजार ते ना हाजरी दे आना जी, चलो गए चले। जिस वेले मजार ते गए ने सुलेमान मंसूरपुरी कहिंदा है कि मैं दिल दे विच सोचिया है कि पता नहीं बाप ते बेटे ने कोई राज दीआं गल्लां करनियां होणगीआं, कोई राजो न्याज दीआं गल्लां करनियां होणगीआं, कोई बाप ने बेटे ने बाप तो पुछना होएगा, किसे चीज की रहनुमाई लैनी होएगी, तो क्यों ना होवे मैं बाहर चला जावां, ये आपस च गल्लां कर लैन। कहिंदे मैं दिल दे विच सुलेमान मंसूरपुरी अहले हदीस पिया कहिंदा है, मैं दिल विच सोचिया है, मुजद्दद अफसानी आप अपने मजार चो हथ कढ के हथ फड़ के कहिंदा है जो भी गल होएगी तेरे सामने होएगी। अल्लाह दे वली इत्ता कु फरासत अल मोमिन फाइन्ना यंजुरु बे नूर इल्ला, के अल्लाह दे वलियां दी फरासत तो डर जाओ, अल्लाह दे नूर नाल वेख लैंदे चाहे दुनिया ते चाहे मजार विच नहीं। ते मैं आख्या जो असी जाइए तो कहें बुद्धत ही है मुशरक आप तुहाडे जो साडा मुजद्दद हथ फड़ लै तो कहें मैं जागदियां वेख्या है, कोई ख्वाब की गल नहीं, करामाते अहले हदीस के अंदर यह वाकया मौजूद है। तो मेरे दोस्तो अल्लाह दे वलियां दे मजार ते जाना भी बड़ा फायदा है, अल्लाह दे प्यारियां दी बारगाह भी जाना बड़ा फायदा है, अल्लाह दे वलियां दा जिक्र करना इंदे च भी बड़ा फायदा है। ते सानू चाहिदा है कि उन्हां दे जिक्र उन्हां दे चर्चे करते रहिए, अपनी औलाद विच उन्हां दी मुहब्बत उन्हां दा प्यार जदों उन्हां दी हालात जिंदगी बयान करांगे ये भी फिर उन्हां दा जिक्र सुनगे उन्हां नाल मुहब्बत करनगे। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الله تبارك وتعالى دي حمد و ثنا تو بعد اس دے پیارے حبیب ताजदारे मदीना सरूरो कलबोसीना अरबो अजम दिवालिया मुख्तार दी बारगह आलिया दे अंदर दरूदो सलाम दा नजराना पेश करन तो बाद अज दी ए रूहानी वजदानी महफिल बा सिलसिला ए ग्यारहवीं शरीफ और इस महफल दी सदारत हज़रत अलामा मौलाना सोहेल अख्तर मुर्तज़ाई हाफिज़हुल्लाह ताला फरमा रहे ने और भी उलमा कराम तशरीफ़ फरमा ने। तो मेरे दोस्तों अज दी ये महफिल शेख अब्दुल कादर जिलानी महबूब सुबहानी अल हसनी वल हुसैनी रदी अल्लाह ताला अनु दी याद विच मनाई जा रही।
अल्लाह तबारक व ताला मेरा आना बयान करना आप दा आना सुनना अपनी बारगाह लिए कबूल व मंजूर फरमाए। तो मेरे दोस्तों चाहे अल्लाह दे जिक्र दी महफिल होए, चाहे इमामुल अंबिया अलैहि सलातो सलाम दे जिक्र दी महफिल होए, चाहे यौमे सैयदना सदीके अकबर होए, यौमे उमर फारूक होवे, यौमे उस्मान ज़ुन्नूरैन होवे, यौमे हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा होवे, तो चाहे शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुबहानी अल हसनी वल हुसैनी दी याद विच यारवीं शरीफ होवे, ये सब मामलात ये महाफिल अल्लाह रसूल का जिक्र, सहाबा कराम अले रिदवान का जिक्र, औलिया कराम का जिक्र, ये असी जिहड़ा करने आ इंदे विच सानू बड़ा ही फायदा होंदा है, रब भी राजी होंदा है, रब दा महबूब भी राजी होंदा है, ते जिंदा जिक्र कीता जांदा है वह भी राजी होंदा है। अज असी किसे दी औलाद दा जिक्र करिए ते मां बाप किन्ना खुश होंदा है, तारीफ करिए उस दे नाल प्यार करिए ते मां बाप खुश दा फलां बंदा जिहड़ा मेरे लाल नाल बड़ी मुहब्बत करता है। तो मेरे दोस्तों जे अगर असी अल्लाह दे वलियां नाल मुहब्बत करिए, अल्लाह दे प्यारियां नाल मुहब्बत करिए, ते रब खुश ना होंदा होएगा। अल्लाह तबारक व ताला दी जात राजी ना होंदी होएगी। ते आज जिस दा जिक्र कीता जांदा है वो हसनी हुसैनी सैयद, हसनी हुसैनी सैयद, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुबहानी अल हसनी वल हुसैनी रदी अल्लाह ताला बाप दी तरफों हसनी ने, मां दी तरफों हुसैनी ने, उस दासी जिक्र करन आए या सुनन आए या अल्लाह तबारिक व ताला साडा करना सुनना अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। आमीन आमीन। तो मेरे दोस्तों जिहड़ियां महफिलां होंदियां ने इस दे अंदर हाजिर होया जांदा है, अपना कीमती वक्त कढ़ के अल्लाह दे घर च बैठा जांदा है, असी इसनू यह ना समझिए कि असी जाया कर बैठे हैं, कि कीमती वक्त भी कढ़िया, टाइम कढ़िया, मस्जिद च आए, नमाज ईशा अदा की, तिलावत सुनी, नात खानी सुनी, तकरीर सुनी, तो यार कोई फायदा नहीं? नहीं, फायदा जरूर होंदा है, फायदा जरूर होंदा है। रवायत के अंदर आंदा है कि अल्लाह तबारिक व ताला दे नूरानी फरिश्ते आसमान ते सैर करते ने और जिक्र दी महफिल नू तलाश करते, जमात दर जमात, गरोह दर गरोह, कोई दाएं कोई बाएं, कोई अमने कोई सामने जा रहा है, तो जिक्र दी महफिल तलाश करते ने। जिस जगह ते जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफा होंदा है वो दूजे फरिश्ते कहते ने कि ओ आ जाओ इस जगह पर महफिल पई होंदी जी, वो आ जाते ने उस महफिल नू अपने नूरानी परां नाल कज लैंदे ने, ढांप लैंदे ने, तां तू सरा तक कज लैंदे ने। जिस वेले वो महफिल खत्म हो जाती है अल्लाह दे नूरानी फरिश्ते वापस चले जाते, वो वापस चले जाते ने। अल्लाह तबारिक व ताला पुछदा है मेरे नूरानी फरिश्ते कित्थों आए जे, रब ते अलीम बेजात इसो दूर है, वो हर चीज का इलम रखता है, फिर भी रब पुछदा है मेरे नूरानी फरिश्ते आए कित्थों जे। अर्ज करते या बारी ताला एक जिक्र की महफिल सी उत्थे गए सा, उत्थे गए सा, फिर अल्लाह तबारिक व ताला फरमाउंदा है कि ए मेरे नूरानी फरिश्ते उस महफिल विच की पिया हो रहा सी,
वह महफिल करने वाले जमा होने वाले वो की पे करते सन या बारी ताला ओ दुआ करते सन कि या बारी ताला असी तेरी बारगाह च इल्तजा करने हैं, तेरी बारगाह च इल्तजा करने हैं कि या बारी ताला असी है तो बड़े गुनेगार है बड़े सयाकार पर वो दुआ करते सन और ये दुआ करते सन या बारी ताला जिहड़ी तेरी जहन्नम है जिंदे विच गुनेगारां नूं दाखल किया जाएगा उंदी असी आला ते तो पनाह मंगनी। अल्लाह तबारिक व ताला फरमाउंदा है कि ऐ मेरे नूरानी फरिश्ते होर कुछ अर्ज करदे या बारी ताला होर ये दुआ करदे सन कि या बारी ताला तेरी जन्नत बड़ी अजीम है और दुआ करते सी या बारी ताला सानू भी वो जन्नत नसीब कर दी। अल्लाह तबारिक व ताला फरमाउंदा है मेरे फरिश्ते होर अर्ज करते ने या बारी ताला वो दुआ करते सन कि वाहदा उला शरीक का दीदार हो जाए जियारत हो जाए। अल्लाह तबारिक व ताला फरमाउंदा है मेरे फरिश्तियो ये सब कुछ क्यों करते सन ते अल्लाह दे नूरानी फरिश्ते अर्ज करते या बारी ताला जहन्नम तो पनाह मंगते सन ते कहंदे सी या अल्लाह सानू जहन्नम तो बचा लै सानू जहन्नम तो बचा लै। रब फरमाउंदा है मेरे फरिश्तियो उन्हें जहन्नम नू वेखिया अर्ज कीती या बारी ताला नहीं जहन्नम नू नहीं वेखिया ते अल्लाह तबारिक व ताला फरमाउंदा है मेरे फरिश्तियो अगर वो वेख लैंदे होर किन्नी पनाह मंगदे या बारी ताला बड़ी पनाह मंगदे जन्नत नू वेखिया या बारी ताला नहीं वेखिया ते जे वेख लैंदे होर किन्नी मेरी बारगत इल्तजा करदे मेरी ज्यादा तो ज्यादा इबादत करदे ते मेरे नूरानी फरिश्तियो मैनू वेखिया नहीं ते या अल्लाह तबारिक व ताला फरमाउंदा है मेरे नूरानी फरिश्तियो मैनू वेख लैंदे होर मेरी वाहदनीयत और मेरी तारीफ ते हमद किन्नी बयान कर दे। अल्लाह तबारिक व ताला फरमाउंदा है मेरे नूरानी फरिश्तियो गवाह हो जाओ मैं उन्हें सारियां नूं बख्श दिता उन्हें सारियां दी बख्शिश कर दिती। अल्लाह तबारिक व ताला दे नूरानी फरिश्ते अर्ज करदे या बारी ताला उस महफल दे विच एक इहो जिहा बंदा भी सी उंदी नीयत महफिल विच आउण दी नहीं सी उह जा रिहा सी उसने जदों वेख्या कि आवाम कट्ठी है उते जिक्र अज़कार पिया हो रहा है वह भी उन्हां विच बह गया। रब फरमाउंदा है मेरे नूरानी फरिश्तियो गवाह हो जाओ उस महफिल विच जिहड़ा भी आ गया मैं उन्हूं ही बख्श दिता है उस दी मैं बख्शिश फरमा दिती है। तो मेरे दोस्तों महफलों विच आना अल्लाह रसूल का जिक्र करना है जरिया निजात का सबब है। नुज़ातुल मजालस के अंदर अब्दुर्रहमान सफूरी रहमतुल्ला ताला ले जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 5 के अंदर मकतबतुल इल्मिया बरूद की छपी हुई है। लामा साहब तो आपने कई बार उस बयान सुनिया होगा कि मंसूर रहमतुल्ला ताला ले वाज़ पे कर रहे ने महफिल के अंदर उन्होंने तकरीर के दौरान एक साल ने सदा ला दिती कि मैनू चार दिरम या चार दिनार चाहिए ने। जदों इन्नी आवाज उसने लगाई तो हज़रत मंसूर बिन अलाज रहमतुल्ला ताला ले उन्होंने कहा भी जेड़ा इस बंदे नू चार दिरम देगा अज मैं चार दुआवां करांगा तो वह कबूल होणगियां। वो चारे दुआवां कबूल होनगियां जिहड़ा इस नूं देगा। एक बच्चा उठिया उन्हें चार धर्म दिनार उस साहिल दे हाथ ते रख दिते महफिल शुरू हुए उन्हें बयान किया बड़ा बयान करते सन बड़ी दुनिया आउंदी सी बड़े लोग जमा आउंदे सन। जदों दुआ दा टाइम होया वो बच्चा जिहड़ा है वो आ गया हजूर तुसीं फरमाया सी कि मैं चार दुआवां करांगा ते दुआवां भी वो होणगियां जिहड़ियां रब कबूल करेगा ते दुआवां ते कर दिओ।
जो बच्चे ने इनी इल्तजा की अर्ज की तो आप फरमाउन लगे हाँ बेटा दस वो चार जड़िया तेरिया दुआवां ने केड़िया ने। कहन लगा हजूर पहली दुआ तो ये आ मैं गुलाम आजाद हो जावा, मैं गुलाम आजाद हो जावा। फरमाया दूजी केड़ी है? कहन लगा मैं गरीब हाँ मालदार हो जावा। तीजी केड़ी है? ऐ जी मैं भी तो मेरा जिहड़ा मालक है यहूदी गुनहगार है रब बख्शी फरमा दे। चौथी उन्हें कहा जी ओ यहूदी ये कलमा पढ़ के करीमा कदा उम्मती हो जाए। उसने दुआ की जिहड़ा उस बच्चे का आका सी वह यहूदी सी उसने उसनु सौदा लैन भेजिया। उन्हें वेख्या कि महफिल वह भी बह गया। हुण जिस वेले वह पलट के महफिल तो अपने आका दे कोल गया उसने पूछा कितने टाइम लाया तेन तो मैं सौदा खरीदने लिए कम भजया तो तू इन्नी देर लाया तो सौदा वो समान लैके भी नहीं आया वजह की है? कहन लगा जी आका जी गल ये कि एक महफल सी थी उत्थे मैं चला गया तो उत्थे जिहड़ा आलमे दीन बयान पिया करदा सी उसने कहा कि अज जिहड़ा इस साहिल नू चार दिरम दिनार देवेगा तो चार मैं दुआवां करांगा तो वह करांगा जिहड़ियां अज कबूल भी होणगियां। उसने कहा अच्छा वो तू किहड़ियां दुआवां करवाइया ने? उसने कहा जी पहली मैं दुआ ये करवाई है कि मैं गुलाम आजाद हो जावा। उस यहूदी ने कहा जा मैं तेनू आजाद किया, मैं तेनू आजाद किया। दूजी कहन लगा जी मैं कह मैं गरीब हैगा ते मालदार हो जावा। कहन लगा ऐ ले अद्धे मेरी दौलत विचों पैसे तेरे। तीजी केड़ी? उसने कहा जी मैं ये करवाई सी मेरा आका जिहड़ा हैगा ना यहूदी है मुसलमान हो जाए। उसने उस वेले कलमा पढ़िया मुसलमान हो गया। बेटा चौथी दुआ केड़ी है? कहन लगा मैं ये दुआ करवाई सी कि मैं ते मेरा आका गुनेगार है उन्दी भी बख्शिश हो जाए मेरी भी बख्शिश हो जाए। कहन लगे ते रब दी कुदरत कब्जा है कुदरत विच ओदे इख्तियार विच ओ करे या ना करे। कहंदे ने जदों सुत्ता ख्वाब वेखे आवाज आई जा असी तेनू भी बख्श दिता तेरे गुलाम नू भी बख्श दिता है जेड़ा जेड़ा उस महफिल में आया सी सारे नू भी बख्श दिता है। तो मेरे दोस्तो ये फायदा जे महफलों में आने का लंगर तो मिल ही जाना वो जे साडे किस्मत च रब ने लिखिया ना वो मिल ही जाना है। पर जेड़ा सब तो वड्डा करम है रब भी राजी हो रब का महबूब भी राजी हो जाए। तो मेरे दोस्तों सानू चाहिए मस्जिद चाहिए उसका अदब करिए, महफिल चाहिए महफिल का अदब करिए। तो जदों असी महफिल का अदब करांगे मस्जिद का अदब करांगे। वाक्या याद आ गया किताबु शिफा के अंदर काजी अयाज मालकी रहमतुल्ला ताला ले वाक्या एक लिखते हैं कि हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला नो दरसे हदीस पै दे रहे सन, दरसे हदीस दे रहे सन। तो बड़ी दुनिया से बहुत ज्यादा दुनिया से आप दरस दे रहे ने। दरस दे दौरान आप दे चेहरे दी रंगत कई बारी तब्दील हो गई और उत्थे आम लोग नहीं बड़े बड़े पढ़े जड़े ने मुहद्दस जड़े ने वो सुन आते सन। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्ला ताला ने वो भी उत्थे मौजूद सन। मैं फिर वो दरसे हदीस जिन्ना टाइम वो देंदे सन उन्होंने दिता दुनिया चली गई। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्ला ताला ले बाद च पुछया हजूर कदी इंज मामला नहीं होया भी कदी इंज कदी वेख्या नहीं दा जिहड़ा अज पेश आ गया। कहन लगे केड़ा? कहन लगे जी जदों आप दरस दे रहा सा जे उदों दरस दे दौरान आप दे चेहरे दी कई दफा रंगत तब्दील हो गई। वजह की है हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला नो कह ले कि जदो मैं हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दरस दे रहा सा दरस देन दे दौरान मैनु 16 दफा ठूए ने डंग मारिया तकलीफ बड़ी आंदी सी पर इन्ना मैं सबर तू इजलालन ले हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अदबे मुस्तफा हदीस मुस्तफा दी वजह तो हदीस नहीं छड्डी उंदा दर्द बर्दाश्त कर लिया सी। तो मेरे दोस्तों 16 दफा
अज तो असी नमाज बच्चों ये तो कदी इंज तो कदी इंज तो कदी इंज तो कदी इंज सानू सकून नहीं। साहबा कराम अले दुआ जो इबादत करते हजूर सल सलम की बारगाह च बैठते सन तो इंज समझा जाता है जिवें एक दरखत का तना खला हुंदा है आके परिंदे बैठ जाते सन। तो इवें असी भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनीए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सुनीए तो मेरे दोस्तों बड़ा फायदा होएगा। तो दोस्तों जिहड़ी आयत मुकद्दसा आप दे सामने तिलावत कीती है कि और हर नमाजी और आसान जी कीती है कि तुहानू भी समझ आ जाए मेरा आना आप दा आना कारे सवाब बन जाए फायदा बन जाए तो सीधियां सीधियां गल्लां हो जाए। और हर नमाजी नमाज के अंदर दुआ करता है इह दिन सिरात अल मुस्तकीम सिरात अल्लज़ीन अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन कि या बारी ताला सानू सीधे राह ते चला। हुण इह दसो कि बंदा पढ़दा नमाज होर भी कोई सीधा राह है पढ़न नूं नमाज दिया है मस्जिद के पिछे है लामा सोहेल अख्तर मुर्तज़ाई के पिछे तो फिर वो किरात नहीं करेगा सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा। कोई टूमा है जड़ियाँ पढ़ते पर जड़े असी हनफी सुननी हाँ असी कहने जो पिछे इस इमाम दे ये जापने तो रब जाने पर जदों असी कल्ले होने उदों जदों असी सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ पढ़ने चाहे सुनता ने चाहे वाजिब ने चाहे वह नफल जदों असी पढ़ने तो यही कहने यही दिन सिरात अल मुस्तकीम कि या बारी ताला सीधे राह ते चला। ते राह उन्हां लोकां दा जिंदे ते जिन्हां ते तू अनअमता अलैहिम इनाम किया जिन्हां ते एहसान किया गैरिल मगदूब अलैहिम वलद्दालीन ते या बारी ताला उन्हां दे राह ते ना चलाई जिहड़े जिन्हां ते तेरा गजब हो गया ते जिहड़े बहक गए ने जिहड़े पटली तो हट गए ने उन्हां दे राह ते नहीं चलाउणा उन्हां दे राह ते जिन्हां ते तेरा इनाम होया है। ते मेरे दोस्तों असी ये दुआ भी करते रहना चाहिए बंदे नूं कि या बारी ताला उन्हां दे राह ते चलाई। दो नंबर इस पाकिस्तान दे अंदर हर चीज़ मिल जाती है हर चीज़ मिल जाती ते मुल्ला भी मिल जाते जे पर असी उन्हां दो नंबर के पिछे नहीं जाना। असी अगर जाना है तो जिहड़ा अल्लाह तबारिक व तआला दी बारगाह चर्ज कीती है इदिन सिरात अल मुस्तकीम सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन कि या बारी ताला उन्हां दे राह ते चला जिन्हां ते तू अपना इनाम कीता है। ते हुण बंदा फिर परेशान है मैं सूरह फातिहा पढ़ी हुण है किहड़े ने वो है किहड़े ने जिन्हां दे तू इनाम कीता है। तो रब का कुरान ही कहता है तुसी लभण कित्थे चले जे मेरे अंदर ही वो चीज़ा मौजूद ने और कुरान के अंदर हर चीज़ का इलम मौजूद तिबियान अली कुल्ली शई वला रतबी वला या बिस्मिल्लाह फी किताब जो खुशकी तरी का भी इलम मौजूद है हर चीज़ का इलम कुरान में मौजूद है। फिर लभण कितने जाना है कुरान नूं ही पुछ लैने कि अल्लाह की कलाम दस जिहड़ा रब फरमाया ई दिन सिरात अल मुस्तकीम वो किहड़े ने। अल्लाह तबारिक व ताला फरमाउंदा अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका रब फरमाउंदा चार करो ने अंबिया कराम दा सदीका ते शहीदा ते सालिहीन दा हसुना उलाइका रफीका बड़े चंगे साथी जे बड़े चंगे साथी जे रब यह भी दस दिता कि उन्होंने वफा करोगे वह बेवफाई नहीं करनगे वो तुहाडा साथ नहीं छड्डनगे वो हर वक्त तुहाडे नाल होणगे। अगर तुसी किसे तकलीफ ते परेशानी दे विच उन्हां नूं याद करोगे वह मदद भी कर देणगे। शेख अब्दुल कादर जिलानी महबूबे सुबहानी अल हसनी वाल हुसैनी फरमाउंदे ने अगर मेरे मुरीद नूं मुहब्बत करन वाले नूं कोई तकलीफ आ जाए कोई दुख आ जाए कोई परेशानी आ जाए मेरा ना लेके रब दी बारगाह च इल्तजा कर रब दुख ते तकलीफा परेशानियां दूर कर दे दुख ते तकलीफा दूर हो जाएंगी। बाजतुल इसरार के अंदर रवायत इमाम शतनूफी रहमतुल्लाह ताला लिखे दुख तकलीफ
तकलीफा परेशानियां खत्म हो जाएंगियां। तो मेरे दोस्तों फिर उन्हें वलियां नाल ही ना मुहब्बत करिए, उन्हें अल्लाह के प्यारियां नाल ना मुहब्बत करिए। तो रब ने तो चार जमातां चार गरोह दस दिते हैं, नबियां दा सदीकां दा शुहादा दा सवालहीन दा। तो अहले सुन्नत व जमात नूं ये शरफ हासिल है कि ये चौन वाली मुहब्बत करता है, ये चौन वाली मुहब्बत करता है। इस जमात के अंदर दोगली गल ते पलीसी नहीं दी कि अंबिया नाल कर लवे शुहादा नाल ना करे, शुहादा नाल कर लवे सवालहीन नाल ना करे और नेका नाल ना करे, ना ना। अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी जड़े ने 1,24,000 कमो पेश अंबिया नाल मुहब्बत करते ने, शुहादा नाल मुहब्बत करते ने, सदीका नाल मुहब्बत करते ने, सवालहीन नाल भी मुहब्बत करते ने और क्यामत तक जड़े सच्चे ते सुच्चे वली होणगे उहनां नाल भी मुहब्बत करते ने। मेरे दोस्त ये ने चार करो, ये चार जमात असी किसी नबी दे गुस्ताख नहीं दे, वड्डे तो लैके छोटे तक कोई साढ़े बेच गुस्ताख, अगर वह गुस्ताख हो जाएगा तो इस जमात तो ही फारग हो जाएगा, उनका इस जमात नाल कोई तलक नहीं, चाहे वह कोई पीर होए, चाहे कोई मौलवी होए, चाहे कोई शेखुल हदीस होए, चाहे कोई मुफ्ती होए, चाहे कोई नमाजी होए, चाहे कोई हाजी होए, अगर अंबिया कराम 1,24,000 दे विच्चों एक दा भी गुस्ताख हो गया कोई बंदा, वो इस जमात चो फारग हो जाएगा। तो जिहड़ा इस जमात चो फारग हो गया दुनिया तो भी फारग है, जन्नत तो भी फारग, जन्नत तो भी फारग। तो जन्नती कौन ने, तफसीरां उठा के वेख लो, तफसीर दुर्रे मंसूर उठाओ, तफसीरां बड़िया तफसीरां दे अंदर यौम तब यदु वजूह हूं व तस वदु वजूह, कि अल्लाह तबारिक व ताला फरमाया क्यामत दे दिन कुछ चेहरे होंगे जेडे चौदवी दे चंद वाकू रोशन होंगे और कोई होंगे जेडे उस काले स्याह होंगे। साहबा कराम अली रिदवान अर्ज की या रसूल अल्लाह और जेड़े रोशन होंगे ओ केड़े ने और जेड़े स्याह होंगे ओ केड़े ने। जो साहबा कराम अली रिदवान अर्ज की जेड़े रोशन होंगे ओ केड़े ने ते जेड़े स्याह होंगे ओ केड़े ने। इमामुल अंबिया अली सलातो सलाम फरमाया जेड़े रोशन होंगे अहले सुन्नत व जमात होंगे, अहले सुन्नत व जमात उन्होंने चेहरे क्यामत के दिन रोशन हो गए। तो जेड़े इस पटली तो हटते इस जमात तो हट गए इस सवालहीन के तरीके तो हट गए, वो तफसीर रूल तफसीर कबीर के अंदर माँ फखरुद्दीन राजी रहमतुल्ला ताला ले गैरिल मखदूबी अलैहिम वल दुआलीन के तहत सफा नंबर 222 मकबा असरिया की छपी हुई और माँ फखरुद्दीन राजी रहमतुल्ला ताला ले कोई आम मौलवी नहीं दे मेरे ध्याडे अरगा, बड़े वड्डे वक्त के इमाम सन, मुफस्सरे कुरान सन और बड़े बड़े उन्होंने मुनाजरे किए सन लोगों नाल। ओ अल्लाह दे वली ते प्यारे बंदे कि जिस वेले आखिरी वक्त आया, आखिरी वक्त आया क्योंकि शैतान जिहड़ा हैगा है कबर दे अंदर तक भी जोर लाउंदा है, बाहर ते लाउंदा ही लाउंदा है, कबर दे विच भी लाउंदा है। जिस बंदे नूं मैं किवें ना किवें गुमराह कर देवां, आखिरी वक्त आ गया। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्ला ताला अलैह दा जदों वक्त आया तो शैतान आ गया, कहन लगा जे तुसी बड़े मुनाजरे कड़े कीते ने, बड़िया किताबां लिखियां ने, बड़ी तुसी तफसीर लिखी है, पर ए ते दसो रब नूं वाहदा उला शरीक किवें मनदे छे। ए वाकिया वहीदु जमा हैदर वहीदु जमा अहले हदीसा का मौलवी उसने अपनी किताब लुगातुल हदीस के अंदर लिखिया, लुगातुल हदीस के अंदर यह वाक्य लिखिया है कि तुसी रब नूं किवें वादा उला शरीक मनदे। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्ला ताला अलैह आपने
एक दलील दिती उसने रद्द कर दी, दूजी दिती रद्द कर दी, तीजी दिती रद्द कर, 10, 20, 30, 50, 100, 200 360 दलीलां इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शैतान नूं दित्तियां कि मैं रब नूं इंज वादा उला शरीक मानना है, इंज वादा उला शरीक मानना है, लेकिन वह भी बड़ा तेज ते शातर है, उसने सारियां रद्द कर दित्तियां। आप दे पीरो मुर्शिद दूरों दराज पे वजू करते ने नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह, दूर पे वजू करते ने, ते आपने फरमाया इमाम फखरुद्दीन राजी तू क्यों नहीं कह देंदा मैं बगैर किसे दलील तो रब नूं वादा उला शरीक मानना है। ओ इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तफसीर कबीर के अंदर लिखते ने कि गैरिल मगदूबी अलैहिम वल दुआलिन, जिहड़ा क्या है अल्लाह तबारिक व ताला ने हर नमाजी दुआ करता है कि या बारी ताला जिन्हां ते तेरा गजब होया है उन्दे तो मुराद वो कहंदे ने जिहड़े बद अमल ने, जिहड़े बद अमल ने वह ने, और जिहड़ा जिन्हां जिहड़े बैक गए ने जिहड़े गुमराह हो गए ने, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाउंदे ने वह बद अकीदा लोग ने, बद अकीदा जिहड़े लोग ने वो लोग ने। ते मेरे दोस्तों रब ने फरमा दिता कि मैं जिन्ना ते अनाम कीता है अनाम अल्लाह अलैहिम मिन नबीहीन व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहासुना उलाइका रफीका, कि रब फरमाउंदा है चार करो ने ते उन्ना नाल हो जाओगे ते बेड़ा पार हो जाएगा। ते या बारी ताला राह भी उन्होंने चल पे, तरीके भी उन्होंने चल पे, उन्हों तो असी बच गए जेड़े सानू गुमराह करते ने, आप भी गुमराह हो गए ने। तो या बारी ताला है भी चार ने ग्रोह ने, अगर उन्होंने नाल हो जाइए, उन्होंने मुहब्बत करिए, उन्हों की सोबत इख्तियार करिए, उन्हों का कुरब हासिल करिए, उन्होंने नक्शे कदम से चलिए, या बारी ताला फिर मिलेगा कि अल्लाह तबारिक व ताला फरमाया वद खुली भी इबादी वद खुली जन्नती, तुसी उन्हां च दाखिल हो जाए मैं तैनु जन्नत अता कर दिया। मेरे दोस्तों ये आ, अगर असी सवाल हीन दे नाल मुहब्बत करांगे, अल्लाह दे नेकां नाल प्यार करांगे, अंबिया कराम दे नाल, शुहादा दे नाल, सवालहीन दे नाल, सदीक दे सदीकीन दे नाल मुहब्बत करांगे, शेख अब्दुल कादर जिलानी नाल मुहब्बत करांगे, पीराने पीर शेख अब्दुल कादर जिलानी महबूबे सुबहानी अल हसनी वल हुसैन उन्हां नाल मुहब्बत करांगे, उन्हां दे लई साले सवाब करांगे, उन्हां दे नां दी 11वीं शरीफ दुआवांगे। मुफ्ती आम यार खान नैमी गुजराती रहमतुल्लाह ताला ले अपनी किताब जाल हक के अंदर लिख दें, मियाँ शेरे रब्बानी रहमतुल्लाह ताला ले आप भी अपने मुरीदां नूं फरमाउंदे होंदे सन, बेलियो अगर घर तंगी आ जाए, फाका आ जाए, परेशानी आ जाए, तो जिनी तौफीक होवे 11वीं दा लंगर पकाया करो, रब परेशानियां खत्म कर देगा। फिर मियां शेरे रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाउंदे ने अगर इन्नी भी गुंजाइश नहीं है तो जिहड़ी रोटी खाण लगे जे अद्धी सैर ते कर लो, अद्धी फिर सैर ते कर लो, उस अद्धी ते शेख अब्दुल कादर जिलानी दी साले सवाब दे लई दुआ कर लवो, तुसी खा लो, फिर भी रब परेशानियां दूर कर देगा। मियाँ अल्लाह दा वली, अल्लाह दा शेर, मियाँ शेरे रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाउंदे। तो मेरे दोस्तों फिर सानू चाहिए है उन्होंने नाँ दे साले अब्दुल हक मुहद्दस देहलवी रहमतुल्लाह ताला मास बिल सुन्ना फी अयाम सुन्ना दे अंदर वो लिखते हैं कि साढ़े हिंदुस्तान के अंदर रवाज ये आ कि 10 तारीख में हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी की 11वीं शरीफ मनाई जाती। ये कोई सुनिया ने, लाहौर दिया ने, पंजाब दिया ने, लाहौर दिया ने, पाकिस्तान दिया ने, यह तरीका नहीं, शुरू तो ही चले आ रहा। मुफ्ती आम यार खान नैमी रहमतुल्लाह ताला ले ले अपनी किताब अंदर लिखते हैं कि हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी महबूबे सुबहानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला नू हर 12 तारीख में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते सन, जो तौफीक सी वो बच्चों से तकसीम करते सन। एक दिन हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी आराम करते ने, करीम आका अलैहि सलातो वसलाम तशरीफ ले आए, फरमाया तू साडे हर 12वीं नूं सानू याद करना है, बच्चियां नूं लंगर खवाना है, जां असीं तैनूं वी तोहफा दे दित्ता है, कियामत तक जिहड़े नेक ते सवाले होणगे, जिहड़े मेरे नाल मुहब्बत करन वाले होणगे, ओह तेरी 11वीं दुआउंदे रहणगे। सुभान अल्लाह।
ਜਿਹੜੇ मेरे दोस्तो ये अल्लाह के वलियां नाल उन्हां दे साले सवाब करना इस नूं यारवीं शरीफ का नाम दे दिता गया है असल इसाले सवाब। तो ये कोई पीर छोटा जिहा पीर नहीं दा जिवें असीं नाम आम जिहा ले लैने जी यारवीं शरीफ है यार शेख अब्दुल कादर जिलानी महबूबे सुबहानी अल हसनी वाल हुसैनी रदी अल्लाह तआला नूं जिस रात आपकी विलादत बा सआदत हुई है आप दे वालद हज़रत मूसा अबू सवालिया जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते ने कि मैं अपने घर वेख्या कि अनवार ही अनवार ही नज़र आ रहे ने। मैं बड़ा हैरान ते परेशान हो गया मेरे घर इन्नी रोशनाई इन्नी लाइटिंग आ कित्ते गई आ कितों गई है। मैं वेखना सामने वद्दुहा दे चेहरे वाले आका खले ने अकाली सलातो सलाम। मैं छेती छेती अगे बाद के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यादुल्ला फौका ऐ दिए मात मुबारक चुमे वेख्या साहबा कराम भी नाल मौजूद या रसूलल्लाह किमें तशरीफ करीम अकाली सलातो सलाम फरमाया के अबू सवाले असी तेनू मुबारक देन आए हाँ कि जिस बच्चे की तेरे घर विलादत हुई वह मेरा भी पुत्र है और वक्त का शेख होएगा और वक्त का गौस ते कुतुब भी होएगा। उसनू करीमा काली सलातो सलाम फरमाउन जमाने का गौस होएगा वक्त का गौस होएगा। तो मेरे दोस्तों जिहड़ा अल्लाह के महबूब ने फरमा दिता है तो उन्होंने शाना मशरक मगरब शमाल जनूब हर कोई पिया मानता तो उन्होंने शान ते अजमत फैजामंद अवैसी रहमतुल्लाह ताला ले अपनी किताब अल हदायक फिल हकायक दे अंदर लिखते ने ए पंजियां जिल्दां दे अंदर फैजामंद अवैसी रहमतुल्लाह ताला ले हदायक श्री हदा दी शरह की है पंजियां जिल्दां दे अंदर उनकी पहली जिल्द दे विच लिखते ने कि जदों हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी महबूबे सुबहानी अल हसनी वाल हुसैनी रदी अल्लाह ताला नूं अपनी वालदा दे शिकमे अथर सन अपनी वालदा दे शिकमे अथर दे अंदर सन ते जदों वालदा नूं नेछ आउंदी सी ओ अलहम्दुलिल्लाह कहदियां सन हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी महबूबे सुबहानी अल हसनी वाल हुसैनी रदी अल्लाह ताला नूं अपनी वालदा दे शिकमे अथर आउंदे सन ते ओह कहंदे सन यरहमो कल्ला वालदा दे शिकमे अथर दे अंदर। ते मेरे दोस्तो किड्डे अल्लाह दे प्यारे ते महबूब बंदे सन वली सन कि हाले दुनिया ते आए नहीं करामतां पहलों ही जाहर होने लग पईआं करामतां पहलों ही जाहर होने लग पईआं। और जिस वक्त आपकी 5-6 साल उम्र हुई तो घर वालिआं कहा कि हुण इस नूं तालीम भी देनी चाहीदी उस्ताद दे कोल लैके गए जिस वेले लैके गए तो उस्ताद ने बेटा पढ़ो बिस्मिल्ला शरीफ पढ़ाई औज़ बिल्ला पढ़ाई तो हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी महबूबे सुबहानी अल हसनी वाल हुसैनी आपने 18 सवारी सुना दिते फैजामंद अवैसी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल हकायक फिल हदायक के अंदर लिखे जिल्द नंबर 1 के अंदर लिखे आए कि 18 सपारे बेटा अगे फरमाया मां मेरी जो काम करती सी तज्जद पढ़ती सी सुबह का टाइम होंदा सी घर झाड़ू देंदी सी आटा गुणदी सी हर वक्त उन्हां दी जबान ते कुरान दी तिलावत होंदी सी उन्हां नूं इन्ने याद सन मैं भी मां तो सुन सुन के याद कर लै ये हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी महबूबे सुबहानी अल हसनी वाल हुसैनी रदी अल्लाह तआला। मेरे दोस्तों जिन्हां ने बचपन में 18 सपारे ही हिफ़्ज़ कर लै हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह दे बारे आउंदा आला हज़रत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मलफूजात आला हज़रत के अंदर लिखा है कि हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ओ जदों 4 महीनों के जिस वेले होए आपके घर वाले भी उस्ताद को लैके गए जदों लैके गए तो बेटा औज़ बिल्ला बिस्मिल्ला पढ़ो उन्हां 15 सिपारे सुना दिते 15 सिपारे आ बेटा अगे कि मेरी माँ इन्नी तिलावत करती होंगी सी इन्नी उन्होंने याद स ये अल्लाह के वलियां का कमाल और उन्होंने ये करामत है। हिंदुस्तान का बादशाह गुजरिया अकबर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह
ये मौलाना फखरुद्दीन दिल्ली रहमतुल्ला ताला ले दे मुरीद ने खलीफा ने उन्होंने शगिर्द ने और है वक्त दे बादशाह सन उन्होंने अकबर शाह सानी कहा जाता उन्होंने बारे आता है कि जिस वेले अपनी वालदा दे शिकमे अतहर दे अंदर सन तो उन्होंने वालदा कुरान की तिलावत करती होंगी सी अगर जबर जेर तो उखड़ जाती सी घाटा वादा हो जाता सी ते हज़रत अकबर शाह रहमतुल्ला ताला ले अपनी वालदा दे शिकमे अतहर के अंदर होंदे सन कहंदे सन अम्मा जा रहे थे जबर होनी है अम्मा जा रहे थे पेश होनी है अम्मा जा रहे थे शाद होनी है बड़िया हैरान ते परेशान हो जांदियां सन हैरान परेशान ते सोचिया जिहड़ा वक्त दा वली है उन्हां तों ना जाके पुछा माजरा की शाह आलम रहमतुल्ला ताला दी बारगाह च हाजिर हुई हजूर पर मेरे पेट विच बला केड़ी मैं जदों भी कुरान की तिलावत करनी हाँ जबर जेर शब्द मत च घाटा वाधा हो जाता है मेरे पेट के आवाज देता इतने ए लफज आएगा इतने जबर जेर आएगी तो मैनू समझ नहीं आती बुला के शाह आलम रहमतुल्ला ताला ले कहंदे ने तेनू मुबारक होवे तेरे पेट के बच्चा है अल्लाह का वली है तेनू कुरान की तालीम देता है यहो जे सन बादशाह वो बादशाह नहीं जिन्हों खत्मे नबूवत भी ना आवे जिन्हों लफजे खत्म नबूवत भी ना आवे और वो जे हुक्मरान जिन्होंने सिर्फ आत्या दुआ कनूत ना आवे वो साढ़े ते मुसलत हुक्मरान हो गए ते मेरे दोस्तों जदों एहो जे हुक्मरान होणगे ते फिर दीन दा ते इन्हां ने बेड़ा गर्क करना ही करना असी इन्हां तो उम्मीद नहीं ला सकते कि ये खत्म नबूवत के पहरेदार बनगे ये आका करीम अली सलातो सलाम की शान ते अजमत ते नमूस ते पहरा देंगे ना ना इन्हां दा मिशन ये आ कि इन्हां दे दिलां विचों मुहब्बत मुस्तफा कर दित्ती जाए मुहब्बत औलिया कर दित्ती जाए पर दोस्तों असी जिन्हां मावां दे शिकमा ते अंदरों दुनिया ते तशरीफ लाए हैं वह दाता अली हजवेरी नाल भी मुहब्बत करन वालियां मियां शेरे रब्बानी नाल भी मुहब्बत करन वालियां है मुजद्दद अलफसानी नाल मुहब्बत करन वालियां ने मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नाल मुहब्बत करन वालियां ने ये दुनिया पलट ते सकदी है पर साडे दिलां चों अल्लाह दे वलियां ते नबियां दी मुहब्बत नहीं कर सकदी मुहब्बत नहीं कर सकदी। हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी महबूबे सुबानी अल हसनी जो पढ़ के फारग हो गए लोग बड़े ज़ियारत लिए आन बड़ी दुनिया आवे पर आप बयान नहीं सन करते आप लोगों को वाजो नसीहत नहीं सन करते तो कहते हैं कि एक दिन मैं सुत्ता ते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए बाजतुल इसरार दे अंदर मौजूद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे बेटे तू लोगों को वाजो नसीहत क्यों नहीं कर दे अद की नाना जान मैं अजमी ए अरबी मैं किमें वाजो नसीहत करा करीम आका अली सलातो सलाम फरमाया कि मेरे बेटा अपना मुँह मुबारक खोल जिस वेले शेख अब्दुल कादर जिलानी महबूबे सुबहानी अल हसनी वाल हुसैनी रदी अल्लाह तआला ने अपना मुँह मुबारक खोलिया करीम आका अली सलातो सलाम सत दफा लुआबे दान हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी दे मुँह विच दाखिल किया फरमाया बेटा बयान वाजो नसीहत करिया कर कहंदे ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लै गए जोर दा वक्त होया नमाज पढ़ी फिर गनूदगी जी तारी हुई तो हजरत अली तशरीफ लै आए कहंदे बेटा वाजो नसीहत नहीं करते जी ए मैं अजमी ते ए अरबी मैं किवें इन्हां सामने बयान करा फरमाया अपना मुँह खोल जिस वेले हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी महबूबे सुबहानी अल हसनी वाल हुसैनी रजी अल्लाह तआला नो अपना मुँह मुबारक खोलिया हजरत अली रजी अल्लाह तआला नो छे दफा अपने लुआबे दहन हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी के मुँह विच दाखिल किया ते हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी नाल ही कहता हजूर एक ही गल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सात वरी दाखिल किया आप छे वरी कहिंदे ने मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अदब की वजह तो किया ये हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अज ते लोगों का नजरिया है कि नबी ते माज़ल्लाह सुमा माज़ल्लाह मर के मिट्टी च मिल गया है पर हज़रत अली नूं पुछ अदबे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते फिर जदों
आका करीम अली सलातो सलाम हजरत अली मौला मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला नो दुआबे दहन मूंछ डाल दिता हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी फिर बयान करना शुरू कर दिता। बयान शुरू कर दिता कहिंदे ने जदों आप बयान करदे सन 70-70 हज़ार का मजमा हुंदा सी। अज ते मम्मी मैक लै आया आप भी मैक लाउंदे जे फिर 100-200 तक मर के आवाज पहुँचती। हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी महबूबे सुबहानी लुआबे दान दी इन्नी बरकत सी कि आप 70 हज़ार तक लोग मजमे में आते सन ते किताबा दे अंदर आता है जिमें पहले नूं आवाज़ मिलती सी एवें आखिरी बंदे तक भी पहुँचती सी। ये हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी आका ते हज़रत अली दे लुआबे दान की बरकत थी। फिर आप दे बेटे अब्दुल जाक रहमतुल्ला ताला ले एक दिन कहन लगे अब्बा जी आप हर रोज़ वाजो नसीहत करते जे बयान करते जे अज मेहरबानी नहीं करते अज मैनू भी कर लैन दे मैनू भी वाजो नसीहत कर लैन दे। आप पढ़े सन अजकल दे उन्हां पीरां वर्गों ने पा ना पढ़ी तो वक्त नूं पढ़ी फड़ी बेटा करो। हज़रत अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह ताला ले कुर्सी ते तशरीफ लै शेख अब्दुल कादिर जिलानी अंज बैठे हुए ने। हज़रत अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह ताला ले बड़ा बयान किया बड़े पॉइंट ते नुक्ते बयान किए पर दुनिया टस तो मस ना हुई। जिमें उलमा कराम तो आपने वो गल सुनी होएगी कि एक थां ते एक बेली सी जुमा पढ़ाउण जांदा सी पठाना दा इलाका सी उन्हें बड़ा वाकया करबला बयान किया बड़ा वाकया करबला बयान किया बड़ा किया पर पठान टस तो मस ना हो बड़ा हैरान पर मैं बड़ा वाकया करबला बयान किया। उन्हें अपने बेली नूं जिहड़ा उहदे नाल पढ़िया सी उहनूं यार मैं उत्थे महीना खप लत्था है वाकया करबला बयान किया है वह पठान टस तो मस नहीं होने हाँ मैनू लै चल वेखी तो सही। उसनू लै गया वो बयान करद्या करद्या कहिंदा उन्हां बेईमाना ने उन्हां बदबख्ता ने हज़रत इमाम हुसैन तो बीड़ा भी खो लिया पठान नसवार खो ली वह पठान रो रो कमले होन। ते मेरे दोस्तों ये जिहड़ा मौका ते वक्त पर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुबहानी दे बेटे बड़े पढ़े सन और बाअमल सन बाअमल सन बड़े बड़े पॉइंट ते नुक्ते बयान किए पर कोई टस तो मस ना होया। कहिंदे अब्बा जी आप गल करदे जो ते सुभान अल्लाह ते मैं इन्ने पॉइंट बयान किए इन्ने नुक्ते बयान किए ने इन्ना कुछ बयान किया है इन्हां ते कोई असर नहीं जाहिर हो रहा वजह की है। पर मैं बेटा तू थले आ शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप सीट ते बैठ गए ते आप सादे जे लफ्जा नाल कहन लगे भी बेली वह गल ये आ कि यहिया दी वालदा ने मेरे लिए आंडा तलिया वो तल के ते वो परतन च पा के ते इंज रख दिता वह बिल्ली आई तो खान लगी तो भांडा थले डिगा टुट गया दुनिया जारों कतार रोन लग पे। ये लुआबे दहान की बरकत क्या काली सलातो सलाम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी दे मुँह मुबारक लुआबे दहान हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा लुआबे दहान डालिया इन्नी बरकत किन्नी तासीर सी उस बयान दे अंदर। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्ला ताला ले अपनी किताब गुब्दतुन नाजर फी तर्जमा शेख अब्दुल कादिर सफा नंबर 15 मकतबातुल इलमिया दी दे विच लिखदे ने कि अली बिन हैती रहमतुल्ला ताला ले फरमाउंदे ने कि मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी दे नाल होर बड़िया किताबां दे विच आउंदा सफीना तो लौलिया च भी आउंदा है और बड़िया किताबां अंदर है पर मैं एक दा नाल अली बिन हैती रहमतुल्ला ताला ले कहिंदे मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी दे नाल हाँ ते मैं इन्हां दे नाल नाल हाँ ते आप इमाम अहमद बिन हंबल दे मज़ार ते हाज़र होए ने सलाम बुलाया हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल वक्त दे इमाम ने अपने मज़ार विचों बाहर निकल के सीने नाल हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी नूं ला लिया। जिस वेले सीने नाल लाया ते हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नूं कहंदे ने ए वक्त दे इमाम ए शेख मैं इल्मे शरीयत इल्मे हकीकत इल्मे हाल दे विच आप दा मुहताज हां आप दा मुहताज हां इल्मे शरीयत इल्मे हकीकत इल्मे हाल। पर वह भी बड़े वक्त दे इमाम ने जिन्हां दे बारे आउंदा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल दे कोल मोए मुबारक तीन सन ते ओ कढ़दे हुंदे सन ते उन्हां नूं चुम के अखां ते ला के फिर रख देंदे सन।
जो दिल करता सी कढ़ना अखा ते लाउणा चुम के फिर रखते ने। तो जो आखिरी वक्त आया तो अपने बेटे नूं कहन लगे, बेटा ये मेरे को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मोए मुबारक ने, तो इंज करना है मेरी वसीयत है कि एक एक मेरी अख ते रख देना, एक मेरी जबान ते रख देना, मैं कबर च जावा तो मुनकर नकीर आन तो मैं सीधा ही जन्नत चला जावा। तबर्रक बड़ा फायदा देंदे ने। तो कहंदे ने कि जदों आप दा विसाल हो गया, अब्दुर्रहमान इबन जौजी रहमतुल्लाह ताला ले अपनी किताब के अंदर लिखते ने सिफातु सफू के अंदर कि जिस वेले आप दा विसाल हो गया, गुसल कफन दे के जनाजा पढ़ के आपनू दफन कर दिता गया, रात बंदा एक ख्वाब वेंदा है, वेंदा है जिस कब्रस्तान दे विच आपनू दफन किया गया वो सारे का सारा कब्रस्तान रोशन ही रोशन है, रोशन ही रोशन है। वो बड़ा हैरान परेशान कि आज किन्ने इस कब्रस्तान दे विच इन्नी रोशनाई कर दिती है। उसनू दस्या गया ये रोशनाई इंज नहीं हुई, अज इमाम अहमद बिन हंबल फौत हो गया, इस कब्रस्तान अंदर आ गया है, उनकी बरकत के नाल रब ने सारे कब्रस्तान वाले नू बख्श के उन्होंने कबरां नू नूरों नाल नूर कर दिता है। वो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला ले, वो हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी नू कहंदे ने कि मैं त्याड़ा मुख्ताज है इल्मे शरीयत, इल्मे हकीकत और इल्मे हाल दे अंदर। इन्नी शान हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी महबूबे सुबानी अल हसनी वल हुसैनी दी सी। अशरफ अली थानवी अपनी किताब अफादात यौमिया जिल्द नंबर 2 दे विच सफा नंबर 100 ते लिखते ने कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुबानी अल हसनी वाल हुसैनी का एक मुरीद भी सी, प्यार करने वाला भी सी, तो कपड़े भी धोंदा हुंदा सी। फौत हो गया, जिस वेले फौत होया हुण जो कफन दफन करके गुसल दे के जनाजा पढ़ा के दफन कर दिता दे, मुनकर नकीर आ गए, तेरा रब कौन है, तेरा दीन किहड़ा है, तेरा नबी कौन है। वह कहिंदा भले इन्ना मैनू पता नहीं, मैं तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कपड़े धोन वाला, मैं कपड़े धोन वाला। आफादात यौमिया के अंदर अशरफ अली थानवी ने वाकया लिखा है कि मैं उन्हें कपड़े धोन वाला है। उन्होंने कहा छड़ दे, ते अल्लाह दे मेरे वली दे नाल मुहब्बत करने वाला है, उनका खादम है। तो मेरे दोस्तों जो फिर अल्लाह दे वलिया नाल मुहब्बत करिए, उन्होंने प्यार करिए, उन्होंने जिक्र करिए, उन्होंने चर्चा करिए, रब रसूल राजी होता है। रवायत में अंदर इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला ले जामिया सगीर के अंदर लिखा है कि जिक्रुल अंबिया मिन इबादा जिक्र सवालीन कफारा, कि अंबिया कराम का जिक्र करना अल्लाह की इबादत है और अल्लाह के वलिया का जिक्र करना गुनाहों का कुफारा है। जिक्र सवालीन तनजल रहमा, कि जिथे अल्लाह के वलिया के का जिक्र होंदा है उत्थे अल्लाह दी रहमतां का नजूल होंदा है। तो मेरे दोस्तों ये अल्लाह के वलिया नाल मुहब्बत करना, उन्होंने नक्शे कदम से चलना, उन्होंने प्यार करना। तो जो बंदा उन्होंने प्यार करता है, उन्होंने मुहब्बत करता है, रब करम कर देता है। कोई भी परेशानी तो दुख तकलीफ हो बंदा अल्लाह के वलिया को चला जाए, रब करम कर देता उन्होंने सदके। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्ला ताला ले आप अपनी किताब मलफूजात मेहरिया के अंदर सफा नंबर 9 दे विच लिखते ने कि शेख अब्दुल कादर जिलानी महबूबे सुबहानी अल हसनी वल हुसैनी रदी अल्लाह तआला अन्हु दी बारगाह शेख मुहियुद्दीन इबने अरबी दे वालद अली अरब आए, अली अरब आए ते आके कहंदे ने हजूर मैं बड़े बड़े वलियां कोल गया है और उन्होंने अगे इल्तजा की कि दुआ करो रब मैनू पुत्र दे दे। जिंदे कोल भी गया उन्हें तुहाडी किस्मत च कोई नहीं, तो हुण तुहाडे कोल आ गया करम करो। तो हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी सफीनातुल औलिया के अंदर जिल्द नंबर 1 च भी ये वाकया मौजूद है, करम करो। हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी आपने जदों वलैद की निगाह मारी तो वेख्या तो फरमाउण लगे तेरी किस्मत च बेटा कोई नहीं, हजूर तुहाडे कोल आया है, करम करो। आप फरमाया तेरी किस्मत च नहीं लेकिन मेरी पुश्त विच एक बच्चा है, मेरी कंड दे नाल कंड तुसी लाओ, मैं तुहानू वो पुत्र दे देना है। तो वह किहड़ा पुत्र है? शेख मुहियुद्दीन इबने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुभान अल्लाह, ये हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी महबूबे सुबहानी अल हसनी वाले हुसैनी की करामत है। तो मेरे दिनों मुहियुद्दीन इबने अरबी कोई आम हस्ती नहीं थी,
ਇਹ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ ਅਲੀ ਅਰਬ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਰਫੋ ਆਲਾ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਕਫਾਰਾ ਹੈ ਰੱਬ ਗੁਨਾਹ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਜਾਉਣਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉਹ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਜਿਹਦੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇਮਾਮ ਫਖਰੂਦੀਨ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁੰਤਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਲੀ ਮਾਜ਼ਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾ ਇਮਾਮ ਫਖਰੂਦੀਨ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਝ ਸੋਚੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਅਲੀ ਉਮਰ ਬਜ਼ਾਜ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਮੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਗਦਾਦ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜ਼ਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਗਨ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਜਦੋਂ ਮੁਸਕਰਾਏ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਿਆ ਚੁੰਘਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਬਜ਼ਾਜ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਮੁਸੰਨਫੀਨ ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਹਨੀਫ ਗੰਗੋਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ 56 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਤਾ ਕੁ ਫਰਾਸਤ ਅਲ ਮੂਮਿਨ ਫਾਇਨਾ ਯਨਜ਼ੁਰੂ ਬਿਨੂਰਿਲਾਹ ਇੱਤਾ ਕੁ ਫਰਾਸਤ ਅਲ ਮੂਮਿਨ ਫਾਇਨਾ ਯਨਜ਼ੁਰੂ ਬਿਨੂਰਿਲਾਹ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕਾਂ ਤੋਂ ਵਲੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਓ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨੂਰ ਅਤੇ ਫਰਾਸਤ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇੱਤਾ ਕੁ ਫਰਾਸਤ ਅਲ ਮੂਮਿਨ ਫਇਨਹੁ ਯਨਜ਼ੁਰੁ ਬਿਨੂਰਿਲਾਹ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਫਰਾਸਤ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਓ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਬਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਦਿਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਨੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤੇ ਵਾਲੇ ਹਦੀਸ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਮੁਜੱਦਦ ਅਫਸਾਨੀ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਆਪ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜ਼ਿਆ ਮਸੂਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮਨਸੂਰਪੁਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰਹਿਮਤ ਅਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮਨਸੂਰਪੁਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਚਲੋ ਗਏ ਚਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮਨਸੂਰਪੁਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੋ ਨਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਬਾਪ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮਨਸੂਰਪੁਰੀ ਐਲੇ ਹਦੀਸ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਮਜਦਲ ਵਿਸਾਨੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਇੱਤਾ ਕੁ ਫਰਾਸਤ ਅਲ ਮੂਮਿਨ ਫਇਨਹੁ ਯਨਜ਼ੁਰੁ ਬਿਨੂਰਿਲਾਹ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਫਰਾਸਤ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਓ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੁੱਧਤ ਹੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਕ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਜੱਦਦ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਖੁਆਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
करामाते अहले हदीस के अंदर यह वाक्या मौजूद है। तो मेरे दोस्तों अल्लाह के वलियां के मजार से जाना भी बड़ा फायदा है, अल्लाह के प्यारियां की बारगाह भी जाना बड़ा फायदा है, अल्लाह के वलियां का जिक्र करना इंदे च भी बड़ा फायदा है। तो सानू चाहिदा है कि उन्होंने जिक्र उन्होंने चर्चे करते रहिए, अपनी औलाद विच उन्हां दी मुहब्बत उन्हां दा प्यार जदों उन्हां दी हालात जिंदगी बयान करांगे ये भी फिर उन्हां दा जिक्र सुनगे, उन्हां नाल मुहब्बत करनगे, उन्हां नाल प्यार करनगे। तो मेरे दोस्तों जदों उन्हां नाल प्यार करनगे ये भी राह सिराते मुस्तकीम ते चलन वाले बन जाणगे। अल्लाह तबारक व तआला मैनू और आपनू जो पढ़िया सुनिया इस ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अनिल।